तो लास्ट लेक्चर में बात किया गया था, फंक्शंस की बात कर रहे थे हम लोग। थर्ड यूनिट का फर्स्ट पार्ट है फंक्शंस। तो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं, और कैसे हम फंक्शन को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड, ये भी बता दिया गया था, और कैसे हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं या फंक्शन की कॉलिंग हम कैसे करते हैं, ये भी चीज बता दिया गया था। तो फंक्शन फंक्शन की कॉलिंग या फंक्शन का एग्जीक्यूशन फंक्शन के नाम से हम करते हैं, ठीक। अब उसके आगे देखना है, उसके आगे जो है एक, अब हमें बात करना है पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स इन अ फंक्शन। पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स इन अ फंक्शन, कोई बताएगा क्या कि पैरामीटर्स क्या होते हैं या और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं फंक्शंस में? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स इन अ फंक्शन इन पाइथन, और हाउ पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स आर डिफाइंड इन अ फंक्शन, कोई बताएगा? हम बात करेंगे इसमें पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स इन अ फंक्शन, तो इसमें कोई बताएगा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं या फिर आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? मैसेज डिसेबल था, उसको इनेबल कर दिए हैं। पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स इन अ फंक्शन, देखो आवाज तो सबको आ रही है ना, क्यों अनुज पांडे आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, तो वही है कि पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, कोई इसमें बता नहीं पा रहा, अगर कोई जानता है तो वो बताए। नहीं, शिवम नहीं सही, उल्टा तुम बता दिए अनुज। देखो अगर हम डेफ फंक्शन का नाम मान लो मैक्स है, ठीक है, तो हम क्या बोले थे कि जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फंक्शन का नाम और ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स, ब्रेसेस ओपन, करेस्पॉन्डिंग ब्रेसेस ओपन ओपन एंड क्लोज, अगर हम ओपन कर रहे हैं तो क्लोज भी करेंगे, और उसके अंदर हम पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे। अगर ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी हम दो वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? ए और बी क्या कहलाएंगे? ए और बी कहलाएंगे पैरामीटर्स। ए और बी क्या कहलाएंगे? पैरामीटर्स इक्वल्स टू कौन कौन से? ए कॉमा बी, है ना। अब जब हम इनकी वैल्यू, मैक्स, हाँ ठीक है, आ चल जाए सवाल, जब हम इनकी वैल्यू देंगे, तो यही पैरामीटर्स किसमें बदल गए? आर्गुमेंट्स में। पहले ए और बी ये दोनों पैरामीटर्स थे, और अब ए और बी की ही वैल्यू हम पास कर रहे हैं, तो वो दोनों क्या हो गए? आर्गुमेंट्स हो गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है और अच्छे अच्छे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आर्गुमेंट्स 10 एंड 20 या फिर जो भी है, 210। तो कि जब हम फंक्शन के नाम के बाद
जब हम फंक्शन के नाम के बाद कोई वेरिएबल दे रहे हैं तो वो पैरामीटर्स कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो पैरामीटर कहलाएगा। और जब हम फंक्शन की कॉलिंग में उन पैरामीटर्स की वैल्यू दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आर्गुमेंट्स। तो वो पैरामीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो पैरामीटर्स कन्वर्ट हो जाएंगे आर्गुमेंट्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आर्गुमेंट्स में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। यही डिफरेंस है पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स में, ठीक है। पैरामीटर्स अगर हम फंक्शन के डिफिनेशन में कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कोई वेरिएबल लेते हैं, तो वो कहलाता है पैरामीटर्स। और जब पैरामीटर्स को हम वैल्यू देते हैं ड्यूरिंग फंक्शन कॉलिंग, जब हम पैरामीटर्स को कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो बन जाएगा उसका आर्गुमेंट्स। तो इसमें पैरामीटर्स क्या हो गए, ए और बी, ये पैरामीटर्स हो गए। और जब हम इनकी वैल्यू पास कर रहे हैं कब, फंक्शन के एग्जीक्यूशन में या फंक्शन की कॉलिंग में, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आर्गुमेंट्स, ठीक। तो पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स इन पाइथन, अब पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स इन फंक्शन, ये बात करना है हमें। अब इस पे एक क्वेश्चन लिखना है, अब इस पे जो है एक प्रोग्राम लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए अब धीरे धीरे लोगों की संख्या कम होते चली जाएगी, अब वही लोग बचेंगे जिनको प्रोग्रामिंग सीखना है। तो जैसे ही किसी को अगर नहीं आता है तो वो तुरंत हमसे पूछे कि सर इसका क्या मतलब है, आप हमें चैट लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अब वही लोग बचे हैं। कुछ दो चार लोग अभी भी हैं जो क्लास करते हैं बस ऐसे ही, लेकिन ये है कि अब वही लोग बचे हैं जो जिसको सीखना है। तो जैसे ही अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। भाई ये है कि आप पब्लिकली पूछेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उसमें हेजिटेट फील करें, तो आप डायरेक्ट लिखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तुरंत बताएंगे। अब लिखते हैं इसको, पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स इन अ फंक्शन। इस पे प्रोग्राम, जब तक प्रोग्रामिंग ना किया जाए तब तक इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगा। पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स इन अ फंक्शन, ठीक। अब इसका प्रोग्राम लिखें, हमें एक प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। हमें ये प्रोग्राम लिखना है यूजिंग फंक्शन With the help of parameters and arguments. तो जिसको आ रहा है वो लिखे। We have to write a program to find the maximum of two numbers using functions in which we have to use parameters and arguments. हमें parameters and arguments का use करके और function का use करके हमें program लिखना है, maximum of two numbers find करना है। Write a program to find the maximum of numbers. तो जिसको आ रहा है वो प्रोग्राम लिखे। जिसको प्रोग्राम आ रहा है वो लिखे। We have to write a program to find the maximum of two numbers using functions and in which we have to use parameters and arguments. अच्छा, एक चीज ये भी है कि क्या parameters and arguments साथ साथ होंगे या नहीं होंगे, parameters और arguments साथ साथ होंगे कि नहीं होंगे, क्यों parameters और arguments साथ साथ होंगे कि नहीं होंगे, मतलब कि जब हम पैरामीटर डिफाइन करेंगे तब आर्गुमेंट्स भी होंगे, ऐसा है कि नहीं है। जब हम पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे तो हमें आर्गुमेंट्स भी पास करना पड़ेगा, ऐसा है कि नहीं है।
हाँ, और कोई, और कोई है, और कोई, देखो ऐसा है क्यों, क्योंकि यार जब हम इसको पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे तो आखिर में इसकी वैल्यू हम लेना है कि नहीं देना है, इसकी वैल्यू देंगे तभी तो वो एग्जीक्यूट करेगा, और जब एग्जीक्यूट करेगा हाँ ठीक है आदित्य सिंह। हाँ अच्छा, आज आशुतोष मणि तिवारी तुम भी हो क्या आज? तो भूल ही गए थे, पाइथन का भी क्लास चलता तो ये दोनों साथ में रहेंगे, है ना, जब पैरामीटर्स तब जाहिर सी बात है कि उसके आर्गुमेंट्स। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है, अब देखिए इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कोई क्वेश्चन लिखा नहीं, हम बताते हैं, सब लोग जिसको आ रहा है वो लिखें और जिसको नहीं आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है अवंतिका, बट ये प्रिंट करवाने का तो एक बार प्रिंट हो जा रहा है, तो बस हम उसके फंक्शन से कॉल कर सकते हैं। हाँ ठीक है, दर्पण, और लोग जिसको आ रहा है वो लिखें। देखो सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, हमें मैक्स प्रिंट करवाना है ना, तो मैक्स चूंकि इसका कीवर्ड है, मैक्स इसका कीवर्ड है तो वो मिसमैच ना हो जाए। तो इसीलिए हम लिखते हैं प्रिंट मैक्स, किसका किसका, दो नंबर्स का, तो उन दो नंबर्स को एज अ पैरामीटर हम पास कर लिए, एक नम वन ले लिए और एक नम टू ले लिए। ठीक, एक नम वन ले लिए और एक नम टू ले लिए। आंचल नहीं सही है, अनुज पांडे। हाँ सही है, बहुत बहुत अच्छा, ये हो गया। ठीक, अब देखिए जैसे ही हमें फंक्शन के अंदर आना है तो आइडेंटिफिकेशन लगाएंगे, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कोलन यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या है, अब तो बस वही नॉर्मल प्रोग्राम आ गया, अब तो क्या है, वही नॉर्मल प्रोग्राम आ गया। अब सबसे पहले हम उन दो नंबर्स को प्रिंट करवा दें, प्रिंट ये ऑप्शनल है, ये तो बस हम ऐसे ही लिख रहे हैं, नम वन इक्वल्स टू कॉमा नम वन, यहां प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर प्रिंट दूसरे नंबर को प्रिंट करवा दें, नम टू इक्वल्स टू कॉमा नम टू, यहां हो गया। ठीक है, अब फिर वही कंडीशन लगा दें, इफ दो नंबर हमें मिल चुके हैं, दो नंबर हमें मिल चुके हैं, उसकी वैल्यू अभी हम आगे पास करेंगे, बट हमें दो नंबर्स मिल चुके हैं, मतलब दो नंबर, हम ये ऐसा मान के बना रहे हैं फंक्शन कि हमें उन हमें दो नंबर्स मिल चुके होंगे, जब हम रन करवाएंगे प्रोग्राम को तो हमें दो नंबर्स मिल चुके होंगे, इफ नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, अगर ऐसा केस है तो क्या हम प्रिंट करें। हाँ ठीक है, हर्ष कुमार मिश्रा, बहुत अच्छा, तो इफ नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, हाँ तो क्या वो प्रिंट करे, प्रिंट कर दे, कुछ भी मैसेज प्रिंट कर दे, द नंबर कॉमा नम वन कॉमा नम वन कॉमा इज ग्रेटर देन कॉमा नम टू, ये हो गया है ना। इसके अलावा एलिफ, अगर एलिफ क्या, एलिफ नम टू इज ग्रेटर देन नम वन, अगर ये है नम टू इज ग्रेटर देन नम वन, तो क्या प्रिंट करे वो, क्या प्रिंट करे, सेकेंड नंबर, द नंबर, नंबर कॉमा नम टू कॉमा, कैसे हम वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट
करेक्ट है, कई बार हमेशा लोग गलत गलत करते हैं। हाँ सही है शिवम। ग्रेटर देन कॉमा नम वन, ठीक। इसके अलावा भी एक केस हो सकता है भाई, यूजर नंबर इंटर कर रहा है, यूजर नंबर इंटर कर रहा है तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी नंबर डाल सकता है, या तो ग्रेटर, या तो ग्रेटर पहला दूसरे से ग्रेटर हो, या दूसरा पहले से ग्रेटर हो, या फिर क्या हो, दोनों नंबर इक्वल डाल दे कि देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, तो एल्स में आ जाएगा। वो किस में? एल्स में आ जाएगा, जब भी इफ हो तो उसके साथ एल्स जरूर होता है। प्रिंट बोथ द नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। ये बन गया मेरा फंक्शन। अब ये एक पैकेट तैयार हो गया, देखो अब ये एक पैकेट तैयार हो गया है ना, इस पैकेट को, ये एक पैकेट मेरे पास तैयार हो गया। अब इस पैकेट को हम पूरे प्रोग्रामिंग में या पूरे सॉफ्टवेयर में कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम बनाते हैं फंक्शन। क्या बिना फंक्शन के मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स नहीं हो पाएगा क्या? बिल्कुल होगा। बट ये एक हम पैकेट बना लिए हैं, अब इस पैकेट को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, पूरे प्रोग्रामिंग में कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए हम उसको एग्जीक्यूट करें कैसे, हम फंक्शन का नाम प्रिंट करवा रहे हैं तो हमें प्रिंट करवाने की दोबारा जरूरत नहीं है, है ना। जब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो दोबारा प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है भाई। जैसे ही हम फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे तो क्या करेगा वो, लाइन बाय, लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो इसीलिए हमें प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है। प्रिंट मैक्स, अब दो नंबर्स है, हम चाह रहे हैं कि वो नंबर पहले से डिफाइन हो, 10 और 20 डाल दो, 10 और 20 ये नंबर्स। तो ये क्या हो गया, num1 और num2 ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए पैरामीटर्स। और जब हम इनकी वैल्यू दे रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, आर्गुमेंट्स। ये दोनों इसके पैरामीटर्स हैं ऊपर वाले, और ये दोनों इसके आर्गुमेंट्स हैं, ठीक। इसको रन करवाएं, जब भी रन करवाते हैं या कुछ नया करते हैं कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, आज 8 June.py नाम से सेव किए, ठीक। F5 से रन करवाएं, आया num1 को भी प्रिंट कर दिया, ये इसका प्रोग्राम, ये इसका आउटपुट, एक साथ प्रोग्राम और आउटपुट। क्या किया, num1 को भी प्रिंट कर दिया और num2 को भी प्रिंट कर दिया, और उसके बाद क्या है, द नंबर जो मैसेज है 20 इज ग्रेटर देन 10, ये इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। ये एक फंक्शन है जिसमें हम पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स का यूज कर रहे हैं। जितने लोग भेजे हैं उनका रिस्पांस बताया गया है, सही है या गलत है, 4-5 लोग केवल प्रोग्राम भेजे हैं, बस इतने लोग बैठे हुए हैं, बट 4-5 लोग भेजे हैं। एक तो पांच लोग का प्रोग्राम केवल आया था, 6 आया था जिसमें एक नहीं सही है, 5 लोग का केवल आया था, और 37 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें। तो ये हो गया आपका एक प्रोग्राम जिसमें हम पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स का यूज कर रहे हैं। अब एक अगर सबको समझ में आ गया है तो एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, एक प्रोग्राम हम दे रहे हैं, अब वो सब लोग लिख के भेजेंगे, देखते हैं किसको किसको आता है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। एक क्वेश्चन, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, ऊपर वाले में हम प्री डिफाइंड ये नंबर्स पास कर रहे हैं, है ना। नीचे वाले क्वेश्चन में जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर यूजर इंटर करेगा, ये ध्यान है, जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर यूजर इंटर करेगा, ये चीज ध्यान है, ठीक है। टेक नंबर फ्रॉम यूजर, ये हमें लिखना है प्रोग्राम, वी हैव टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। We have to find the factorial of a number.
write a program to find the factorial of a number. हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर फाइंड करना है यूजिंग फंक्शंस. हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर फाइंड करना है यूजिंग फंक्शंस जिसमें पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स का यूज है. जिसमें पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स का यूज है. फैक्टोरियल का क्या लॉजिक होता है? अगर अगर हमें 8 का फैक्टोरियल निकालना है, 8 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं? 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ये लिखते हैं तो क्या इसको 8 into 7 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं? 8 into फैक्टोरियल 7 नहीं लिख सकते हैं. तो इसका मतलब 8 into उसी वही लॉजिक जो पुराना वाला लॉजिक है वही दूसरे नंबर के साथ फिर से लागू. ठीक है, वही रिपीटेशन बार बार हो रहा है. तो लिखेंगे इसको सब लोग. We have to find the factorial of a number for which we have to write a program in Python using functions in which parameters and arguments are used. तो जिसको आ रहा है वो लिखेगा, बाकी हम स्क्रीन पे लिख रहे हैं. def fact किसी एक नंबर का, ठीक है, num for i in range function 1 to num plus 1 fact equals to fact into i print factorial of comma num comma is comma fact को प्रिंट करवा लिए. अच्छा, एक चीज ये भी है, कई बार हम बोले हैं कि आपको जितना आता है उतना ही लिखिए, नेट से देखने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी हम यहां बताते हैं. ठीक है अवंतिका, बट हमें पता है कि हम यूजर से जो लेंगे इनपुट ना, वो इंटीजर टाइप का ही लेंगे. जो प्रोग्रामर है या फिर जो डेवलपर है वो ये जानता है कि फैक्टोरियल का है तो इसका मतलब इंटीजर हम लेंगे. ठीक है, ठीक है पल्लवी जायसवाल. ठीक तो है, चलेगा. तो ठीक, फैक्टोरियल नंबर इज फैक्ट. ठीक, अब यूजर से हम कोई इंटीजर ले लें, नम इक्वल्स टू यूजर से इंटीजर ले लें हम, वो इनपुट ले लें. इनपुट के लिए हम इनपुट फंक्शन, प्लीज इंटर द नंबर टू फाइंड द फैक्टोरियल
फैक्टोरियल, टू फाइंड द फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या करें, अब हम क्या करें, ये पैकेट बन गया मेरे पास, ये मेरे पास पैकेट बन गया, ठीक है। अब इस पैकेट को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, अब इस पैकेट को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पैकेट का नाम लिखें, मतलब कि फंक्शन का नाम लिखें और उसमें वैल्यू पास करवा दे, बस वैल्यू पास करवा दे, हो गया। अब देखिए जैसे ही हम फैक्टोरियल, जैसे ही जो है हम लिखेंगे, जैसे ही हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, तो फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होता है, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होता है, फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम और उसके अंदर हम उस पैरामीटर्स की वैल्यू पास कर दें, मतलब कि आर्गुमेंट्स दे दें। तो फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है फैक्ट। फैक्ट क्या हम वैल्यू पास कर रहे हैं, क्या हम वैल्यू पास कर रहे हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, फैक्ट और ब्रैकेट के अंदर क्यों, क्या लिखेंगे यहाँ, ठीक है दर्पण, हाँ आंचल सही, और बताओ क्या लिखेंगे, दर्पण सही है, प्रोग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ है इसमें अवंतिका, नंबर हम कहाँ डिफाइन किए हैं जी, हमें जितना आता है बहुत अच्छा है, बट हमें एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन का अप टू मार्क बताना चाहिए हमें, क्वेश्चन का आंसर। अनुज पांडे सही है, और कोई बताएगा, फैक्ट यहाँ हम लिखेंगे नम, हमें यही वैल्यू चाहिए, हमें यही वैल्यू चाहिए, यही है ना, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू जो है यहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, तो यहाँ नम लिखेंगे, ठीक है। अब ऊपर का रन करवाना है तो इसको जो है हम कमेंट सेक्शन में कर दें, कंट्रोल एस से सेव कर दें, F5, प्लीज एंटर द नंबर टू फाइंड द फैक्टोरियल। अनबाउंड लोकल एरर, लोकल वेरिएबल, फैक्ट रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, एक मिनट, फैक्ट नम हो गया, अच्छा पहले हम फैक्ट को डिफाइन करें, फैक्ट इक्वल्स टू 1 फॉर आई, फॉर आई रेंज 1 to नम प्लस 1, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, ठीक है। अरे पहले यहाँ कोई बता भी नहीं रहा है, पहले हमें वो भी तो करना है ना, पहले हमें फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई कर रहे हैं, तो फैक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या है, कोई बता भी नहीं रहा है इसमें कि फैक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, फैक्ट की इनिशियल वैल्यू 1 है, फैक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या है, फैक्ट की इनिशियल वैल्यू 1 है, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है यार, रेंज क्या है, देखो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 into i, जो i जो जाएगा, i रेंज कहां से कहां तक है, पहले क्या प्रिंट करेगा, अरे 1 to num+1, num+1 मतलब कि एक पहले, अगर 5 है तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक, तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा भाई, कंट्रोल ऐसे सेव किए और इसको रन करवाए F5 से, तो अगर हमें 6 का निकालना है तो आया 720, ठीक। ये एक प्रोग्राम है जिसमें फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर फाइंड करना है, और जिसका इसका रिस्पांस बताया गया है सही है, बट ये भी एक आसान तरीका है, जो हम रेंज फंक्शन यूज कर लें, रेंज फंक्शन वहां से वहां तक चलता है। इसमें किसी कुछ पूछना है तो वो पूछ ले, इसमें किसी कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। अच्छा पोजिशनल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट्स कोई बताएगा,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोजिशनल आर्गुमेंट्स? हाँ तो जीरो होगा तो लिख देंगे ना उस पे, जीरो जब होगा पूरा इसको वो नहीं ना बना रहे हैं, ठीक है अगर जीरो होगा तो हम उस पे लिख देंगे कि इफ जीरो तो ये रिटर्न कर देगा, अगर क्यों ये इनिशियल वैल्यू इसको उठा ले रहा है। हाँ, डेफिनेशन के लिए, हाँ डेफ का मतलब कि फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर जब हमें एंटर करना है, फंक्शन के अंदर जब हमें एंटर करना है तो हम डेफ कीवर्ड, जैसे ही डेफ लगा था इसका मतलब फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन के अब फंक्शन हम बनाना शुरू कर दिए। तो ये आपका दो प्रोग्राम था, इन दो प्रोग्राम में हमें पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स इन अ फंक्शन हमें देखने को मिला।